एक्सपायर होता है हेलमेट, एक्सपायर होता है? बिल्कुल होता। किसने का लो? किसने का होता है? जी सर। भैया मनु है, दसो दुनिया में कोई चीज है जो एक्सपायर नहीं होगी? कौन सी? लाइफ टाइम, उनकी लाइफ जाता है। एक वो फॉर्म आता है ना लाइफ टाइम वारंटी वाला, वो क्या सारी उम्र चलता है? वो मामा से पूछ रहा हूँ कि पुराना मुझे दिखाओ कौन सा लाइफ टाइम जिसका बोला था। माहिरा खान आके बोलती है पैसे लिए उसने, उसने वो थोड़ी अपने बचपन के गद्दे लेके चला रही है। बच्चों ये जी आपने कुछ कहा, देखो दुनिया का सबसे कीमती एनवर्ट भी है ना, वो भी एक्सपायर होता है। हर मटेरियल जो इंसान ने बनाया उसकी लाइफ, हाँ पत्थर पड़ा हुआ तो वो मैंने ना इंसान ने बनाया ना उसकी लाइफ ना उसको पता, वो नहीं होगा। हेलमेट एक्सपायर होगा। दूसरा क्यों होगा अब कोई बताएगा भाई? एक एक दो दो पॉइंट लेके बैठे हुए हो। हाँ आपका नाम भाई? जाविया भाई का एक पॉइंट और बच्ची आपका सईदा फातिमा, इनके दो पॉइंट और भी आप कुछ कहना चाहते हैं? स्क्रीन बगैर वाला आप कुछ कहना चाह रहे भाई? आपका क्या नाम है पूरा? पूरा नाम भाई? मोहम्मद वहीद, मोहम्मद वलीद भाई। एक पॉइंट। अच्छा बच्चों ये जो जो थर्मोकोल है ना बीच में, वो बेसिकली होता है कि जो हीट लगेगा हेलमेट को वो मेटल या जो भी गाड़ी है वो तोड़ देगी, तो वो जो अंदर वाइट थर्मोकोल जो हमारी फ्रिजों में से निकलता है ना वो उस मेरे सर तक नहीं आने देगा उस मेटल को, ठीक है? तो उसकी भी एक लाइफ है। तो बच्चों एक तो ये उसकी अपनी लाइफ है। पहले जब मैंने ये शुरू किया ना ये ट्रेनिंग, तो मुझे ये मिला कि जी 5 साल हेलमेट की लाइफ, मतलब हमारे पाकिस्तान में नहीं बाहर की दुनिया ये सोचती है। फिर जब हम थोड़े आगे चले, फिर जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला जी कि 3 साल उसकी लाइफ। इफ डजंट हैपन, कुछ नहीं होता हेलमेट को, कोई नहीं तोड़ता, तो 3 साल बाद उसको फायर कर। और हम थोड़े फकर जब जाते हैं कि मेरे दादा के दोस्त है ना ये उनका है, और देखो मैं साथ लेके चल रहा हूँ, इसी ने मेरी जान बचाई, इसी ने नहीं बचाई, वो गाड़ी परे मुड़ गई थी, ऐसे ही है। तो वो कितनी दफा एक्सपायर हो चुका होगा दादा वाला? एक दफा, कितनी दफा? 3 साल से ज्यादा। दूसरा अगर एक हेलमेट है ना मेरे पास, वो मेरे से गिरा है, तो एक तो ना वो नॉर्मली यहाँ पे गिर गया ये ठीक है कुछ नहीं, लेकिन अगर वो जोर से गिरा ना तो छोड़ दो, हमें नजर नहीं आ रहा उसकी पेंट क्वालिटी की वजह से, उसके 4-5 दफा ऊपर लेयर्स होती हैं पेंट की, उस वजह से अंदर से वो बेचारा फारिग है। अब जब उसको मेरे लिए लड़ना पड़ेगा ना तो वो काफ़ी मामले और मुझे आगे जा रहे हैं। जैसे कि आपके रेस्क्यू वाले हैं ना, वो कहते हैं जो घटिया हेलमेट है ना कई दफ़ा हमें सरों में से वो निकालने पड़े, शीशे की तरफ वो घुस जाते हैं। छोटे शहरों में यही लाहौर में भी होता है, नया किनारे आपने देखा 250 रुपये का हेलमेट बेच रहा, 250 रुपये की टोपी नहीं आती, हेलमेट बेच रहा हूँ। अब आप ये बताओ कि 250 का हेलमेट कुछ बचाएगा किसी को? बचा सकता है क्या करेगा? अच्छा इसी लास्ट चीज बच्चों, वो जो दोस्त है ना वो जो कहता है मेरे दादाजी का हेलमेट है, उसका हेलमेट बड़ा भी होता है। आप अगर बड़ा हेलमेट पहनोगे और अचानक आपको कहीं गिरे या कोई आगे चीज आ गई और आप बड़ी मुश्किल से उसको हैंडल कर सके, और आपके मूवमेंट बॉडी मूवमेंट की वजह से वो खुला हेलमेट मूव करेगा, हो सकता है आपकी आंखों के आगे वो दूसरी साइड आ जाए। हेलमेट हमेशा वो पहने फिट हो, हेलमेट पहनने के लिए थोड़ा सा टाइट, अब इतना टाइट भी नहीं कि थोड़ा सा टाइट हो जो आपको फिट है, जो गिरने के बाद मूव ना करे, वो जरूरी है। अच्छा बच्चों ये कश्मीर का टूर किया था।